तो हे गाइस, वेलकम बैक येट अनदर ब्लॉग। और आज मैं आपको एक हल्द्वानी का एक बहुत न्यू जिम है ये, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है यतीश। तो ये जिम है, मंडी पे लोकेटेड है। यहाँ पे हम लोग करने आए हैं लेग्स। काफ़ी और वैरायटी है लेग्स की, बहुत अच्छी मशीनें हैं। मैं अभी आपको पूरा जिम एक्सप्लोर करवाऊँगा, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज लेग्स का वर्कआउट इन बीस फैक्ट्री। जिम का नाम है बीस फैक्ट्री। मैं आपको जिम टूर कराता हूँ। तो ये इसका आई गेस चेंजिंग रूम वाला एरिया है। चेंजिंग रूम है ये, और यहाँ लॉकर्स वगैरह हैं। ये वॉशरूम वगैरह है, यहाँ वॉशरूम है, ये शावर रूम है, शावर रूम है। और देखिए ना, लोगो अल्टीमेट लोगो बनाए हुए हैं। और एंट्रेंस करते ही खूबसूरत सा व्यू है, बहुत अल्टीमेट व्यू है। इसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। और लाइटिंग देखिए आप, अल्टीमेट लाइटिंग है। एंड सी द लोगो, बहुत मैंने अच्छी कोशिश की थी मैं कि क्राउड कवर करूं, बट हमें थोड़ा लेट हो गया आने में। कलर थीम बहुत अच्छी कलर थीम लगाई है, फुल्ली एसी है, इक्विप्ड है। इसका वर्कआउट एरिया है और जुम्बा कार्डियो एरोबिक्स के लिए एक फ्लोर नीचे है, मैं अभी फ्लोर दिखाऊंगा। और ये ओपन एरिया टेरिस है, ठीक है। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट आज का वर्कआउट लेग्स। बेसिकली पुश पुल लेग्स में हम लोग हैं, तो आज लेग्स का है हमारा वर्कआउट। तो इस मशीन का, स्मिथ मशीन का मैंने पहली बार देखा कि इस मशीन का वेट काफ़ी अच्छा, रॉड का ही वेट आई गेस 20-25 kg। आपको प्रॉपर फील हो रहा है, यूजुअली स्मिथ मशीन का वेट फील नहीं होता है, बट इसमें फील हो रहा है। और आई गेस थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी इसको स्क्वाट्स करने में, ठीक है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दिव्या ओवर टू दिव्या, ठीक है। Decided to do. तो ये आपका स्क्वाट्स का फॉर्म है, देखिए प्रॉपर आपका नीज आपके टोज से पीछे है, और पेल्विक बैक करके आप प्रॉपर एक रेंज में बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। वेट इज़ नॉट नेसेसरी, पहले आप पोस्चर पे काम कीजिए, उसके बाद वेट पे जाइए। ये प्रॉबली फोर्थ फाइनल सेट होगा, वैसे फोर्थ सेट है और बहुत हैवी, लाइक मैंने बताया जैसे 20-25 kg रॉड का वेट है। तो यूजुअली मैं अपने यहाँ 160-180 स्मिथ मशीन पे सेल्फ 6-7 रेप निकाल लेता हूँ, बट ये 150 मैंने किया है। अब लेट्स सी कितने रेप आते हैं। Ah
कितने आए, 5 पता नहीं, बट बहुत हार्ड है। आई लाइक दिस स्मिथ मशीन, कभी आइए ट्राई कीजिए इसमें, आई बेट आप अपने स्क्वाड से 20 किलो डाउन उठाएंगे। ड्यूल स्टेशन है लेग कर, लेग एक्सटेंशन, और अभी हम करने जा रहे हैं लेग एक्सटेंशन। वेट हल्का है इसमें काफी, काफी हल्का वेट है इसमें। अगर आप यूजुअल सिंगल स्टेशन पे करने की आदत है तो इस पे आपको वेट लोड काफी बढ़ाना पड़ेगा, और आई गेस इसमें मुझे रेजिस्टेंस बैंड भी यूज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये वेट बहुत हल्का है। लाइक कोई आप सिंगल लेग एक्सटेंशन इसमें आराम से कर सकते हैं इस वेट के साथ। लगा विशाल तेरा सेट है, तो लेग एक्सटेंशन जब भी करेंगे आप तो यू विल डू स्क्वीज, सॉरी स्क्वीज, स्क्वीज ये टॉप में करना है और स्ट्रेच करना है पूरा नीचे जाके। इसमें थोड़ा सा रेंज छोटा हो रहा है मशीन का। हाँ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ स्क्वीज एज द टॉप, जब भी करें बिल्कुल टॉप में स्क्वीज करेंगे और बॉटम में जाके पूरा स्ट्रेच करेंगे इसको। हाँ चलो चलो इजी, चलो इस लेग प्रेस का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इस टाइप का लेग प्रेस कभी नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम मैं लेग प्रेस कर रहा हूँ। ये बेसिकली ये सेकंड सेट है, पहले मैंने हल्का लगाया था, अभी मैंने 20 kg इंक्रीज किया है, तो लोड अच्छा आ रहा है इस पर। और मेरे यहाँ का जो लेग प्रेस है वो बेसिकली पैरेलल है थोड़ा, और उसमें काफ़ी अब 150 kg में भी आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी वेट, और ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा हल्का है वेट। इसमें आप इजीली 100 kg तो ऐसे उठा लेंगे। अब दिव्या करेगी 100 kg। हम सेट्स में कंफ्यूज हो चुके हैं, किसका सेट है? हाँ चल इसका सेट है, वेट निकालो उधर से, 10 निकाल के 20 डाल दे। चलो कलर थीम बहुत प्यारी है, मशीन है थोड़ा कलर इजी है, तो मैं अभी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए अपनी एक जायंट सेट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं लेग प्रेस कर रहा हूँ, ये लाइटेस्ट वेट है, ये बेस्ट मशीन अभी तक की यहाँ की। Yeah.
ओह चोक हो गया। लाइक कल पे हम पहुंच गए हैं, थोड़ा मशीन तेरे लिए बड़ा हो गया है ना, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस हंसना चाहेंगे। इसे बैक करनी है, इसे ये पता नहीं सेटेड ड्राइंग क्या पसंद आ गई। चलो यो यो नैन बोर है ये थे फिर कहाँ रहे हम पटो जिम बढ़िया से बत्ती करूँ मैं एक्सरसाइज। चल तू अब मेरा एक वीडियो बना ले, तो मैं अब करने जा रहा हूँ सुमो स्क्वाट्स, डंबल सुमो स्क्वाट्स। तो तो लेग्स आज उतने अच्छे से पंप नहीं आया, बट अच्छा लगा यहाँ आके। इतनी गर्मी भी नहीं है अभी यहाँ पे, लाइक मैं नॉर्मली सैंडो में करता हूँ तो आज मैंने दो दो पहने हुए हैं और फिर भी आई एम फीलिंग लाइक कूल। ठीक है, तो वेंटिलेशन अच्छा है यहाँ पे और हीट प्रोटेक्शन के लिए डबल लेयर लगी हुई है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। लाइटिंग आप देखोगे आपको प्यार हो जाएगा, बहुत अच्छा है। तो ये इनका कार्डियो एरोबिक्स एंड जुम्बा के लिए है, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे भी, और पोजिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी। लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, अभी तो बंद है, जिम क्लोज होने का टाइम आ गया। अच्छा है दिव्या, तू योगा करेगी कुछ? अब इनको ये करना है, ये कर पाओगे आप? ये देखो बहुत सारे बॉयज नहीं कर सकते एक राउंड सब। बस वापस मुड़, वापस मुड़, हाँ सब बस घूम जा पूरी। डबल बाइसेप्स दिखा दे एक बार। ये यतीश नयाल, मैं इनका लिंक वीडियो में डाल दूंगा, इनका इंस्टाग्राम आईडी वगैरह, जो भी क्वेरी है आपको जिम से रिलेटेड होंगी वो ये बता देंगे। बाकी मैं इनसे पूछता हूँ कि जिम की टाइमिंग क्या है। थी जिम की टाइमिंग आपका मॉर्निंग में है 5 to 10, ओके, और इवनिंग में है आपके 4 to 10। इवनिंग 4 to 10, 5 to 10, ठीक है। हाँ। और फ्री स्ट्रक्चर क्या रखा आपने? फ्री स्ट्रक्चर मेल का जो 1500 है, ओके, और फीमेल का 1200। मेल फीमेल ऐसे कुछ मतलब स्पेसिफाई क्यों कर रखा है, कुछ रीजन है? स्पेसिफाई ऐसा है कि फीमेल को मोस्टली रहता है, क्योंकि हम तो वर्किंग है ही नहीं। बेसिकली मैंने भी अपने जिम में यही कर रखा है, फीमेल का फीस थोड़ा कम रखा है, क्योंकि फीमेल जो है ना आप समझ रहे हो क्राउड खींचती है थोड़ा, तो वो हर जगह चलता है ऐसा। फीमेल को पैकेजेस में भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपका ये एरिया कितना है, ये वाला? ये एरिया है आपका 2800 स्क्वायर फीट। 2800 स्क्वायर फीट, और इनके पास नीचे भी है? नीचे कितना एरिया है? नीचे करीबन होगा 2000 का। नीचे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, नीचे एरोबिक्स और जुम्बा के लिए स्पेशल, और आई गेस पोजिंग वोजिंग भी करने के लिए बढ़िया है, बढ़िया है ना। तो और बाहर इनके पास कैफेटेरिया बाहर है, आप मील वील लेना चाहें तो बाहर ले सकते हैं। आपका चेंजिंग रूम, लॉकर फैसिलिटीज एंड वॉशरूम वगैरह काफी अच्छा, हाइजीन है काफी, नया सेटअप है, और आई होप ये मेंटेन रखेंगे इस हाइजीन को। और कार्डियो सेक्शन काफ़ी अच्छा है, वाइब्स बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। थोड़ी एक दो मशीनों में मुझे कंप्लेन थी, मैंने इनको बताई है, तो आई गेस कि ये उसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या है कि कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विसेज देनी है। हम बेसिकली जिम लाइन के बंदे हैं, हम ऐसे इन्फ्लुएंसर तो है नहीं, तो हम आपको फेयर, एकदम फेयर सजेशन देंगे कि लेग्स में आप लेग कल ड्यूल स्टेशन है, आप हार्डकोर करने वाले हैं तो आपके लिए जल्दी कुछ करेंगे। यतीश नई मशीनें लाएंगे, अभी मुझे बता रहे थे नई मशीनें आने वाली हैं। हाँ जी, हाँ, तो अगर आप आसपास हैं, सराउंडिंग हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा आएगा। इधर में लग्जरी जिम काइंड ऑफ है,
ठीक है, फीस स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। पैकेजेस क्या है 3 मंथ का? पैकेजेस 3 मंथ का मेल का जो आपका 4000 है, अच्छा, फीमेल का आपका है 3500 है। ठीक है, तो 4000 3500 फॉर फीमेल्स। तो आप आसपास हैं, सराउंडिंग मेडिकल कॉलेज कितनी दूर है यहाँ से? पास ही में आएगा, 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट अगर हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। और काफ़ी मतलब यहाँ पे क्राउडेड एरिया है वैसे तो, और अब धीरे धीरे समर में लोड भी बढ़ता जाएगा इनका। और बेस्ट ऑफ लक है इनका। 2 महीने, कितने महीने हो गए टाइम खुला हुआ? महीना भर भी कम्प्लीट, महीना भर हो गया है। और अभी जब मैं आया था उस टाइम तो अच्छा क्राउड था, 8:30 के अराउंड। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे गर्मी के दिन आ रहे हैं तो लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं, दिन में थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और ब्लॉग में, किसी और जिम में। आपको दिखाएंगे कुछ नए वर्कआउट, कुछ नई मशीन्स, कुछ नया लेआउट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।